मैं मेनका द जनता की आवाज शिविर में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं महिलाओं के बीच में हूँ, जिसमें से मैं पहला इंटरव्यू स्टार्ट कर रही हूँ। जो ये जो महिला है, एक साधारण सी महिला है, जो एक राशन के लिए पिछले दस राशन कार्ड के लिए पिछले 10 साल से परेशान है, और आप सुनिए कि उन्हें कितने सारी परेशानियों को झेलना पड़ा। आप मुझे राशन कार्ड के बारे में बताइए, क्या हुआ? 2014 से हमारा राशन कार्ड जमाया, जब भी जाते वेटिंग वेटिंग बोलते हैं बस। अच्छा। वेटिंग पे, और 2014 में भी बन रहे थे, जब भी हमारा राशन भी बनाया कार्ड नहीं बनाया, जब भी करे वेटिंग पे आ जाते हैं, धक्के खा के आ जाते हैं, फिर जाते हैं धक्के खा के आ जाते हैं। आप किनके पास गई हुई हो? एसडीएम ऑफिस भी गई हूँ, वहाँ भी गई हूँ, कल्याण वास में वहाँ भी गई हूँ, तीन चार जगह गीता कॉलोनी भी गई हूँ। अच्छा, तो वो क्या कहते हैं वेटिंग? वो कहते हैं जब राशन कार्ड बनेंगे, जहाँ पर आपका जमा है वहीं से ही बनेंगे। अच्छा, तो आप वहाँ पे जाके इंक्वायरी की थी? हाँ, बोला था मैंने, उन्होंने कहा वहाँ पर आने से कोई फायदा नहीं है, आपके जहाँ पर जमा हुए हैं फॉर्म वहीं से ही बनेगा। तो आपने कहा नहीं कि 10 साल हो गए? हाँ बोला मैंने, कह रहा अभी किसी के राशन कार्ड बन ही नहीं रहे, तो आपके कहाँ से बनेंगे? तो उन्होंने कारण बताया राशन कार्ड नहीं बनने का, कुछ वजह आपको? वो कहने लग गए जब आगे से ही बनेंगे तो आपका ही बनेगा, आगे से ही नहीं बनते। नेता आपके यहाँ पास वोट मांगने के लिए आते हैं? आते हैं। क्या कहते हैं? कभी कहते हैं कि हमको वोट दो, झाड़ू वाले भी आते, कबल वाले भी आते, सभी बोलते हैं जीतने के बाद तो कोई काम नहीं करता। अच्छा, जीतने की बात। तो आपने उन लोगों से नहीं कहा राशन कार्ड के लिए? बोला हमने तो। आपने उनसे कहा? वो भी कहते हैं कि हाँ बन जाएगा, बस बोल देते फ्री चीज को। आप क्या कहना चाहोगे? फ्री क्या मैडम, काम भी मिल जाए और नौकरी मिल जाए, कहीं कुछ भी मिल जाए, तो वो भी तो सही है। आपका जो काम आप फ्री लेना चाहोगे कि नहीं? जो केजरीवाल सरकार दे रहे हैं आज की परिस्थिति में, चाहे केजरीवाल दे रहे हैं, हमारी नौकरी भी लग जाएगी, काम मिल जाएगा, अपने पैसे से राशन खाएंगे, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, इन बड़े गवारों को लोग कहाँ नौकरी मिल रही है, उनके घरों में भी काम नहीं मिल रहा। आप मुझे बताइए आप कहाँ नौकरी कर सकती हो? मैं हॉस्पिटल में भी कर लेती हूँ, जैसे कहीं लग जाए मैं झाँ मर्जी कर लेती हूँ, चाय पानी में भी कर लूँगी, पानी पिलाने में भी, झाड़ू पोछे में भी, सब में कर लूँगी। अगर आपको ये नौकरी मिले तो क्या आप फ्री वाली सुविधा लोगे कि नहीं लोगे? फिर तो हमें चाहिए ना, फिर तो हम तो राशन ही खरीद लेंगे, फिर अपना फिर तो हमें सर दर्दी भी नहीं, राशन कार्ड की भी जरूरत नहीं रहेगी, तो हम मेहनत कर लेंगे, खुद ले लेंगे। यानी आप इस समय रोजगार सबसे पहले चाहते हैं? नहीं मिल रहा, बहुत जगह ढूंढा रहा, तो घरों में भी काम नहीं है, महंगाई की वजह से खुद ही कर ले रहे हैं, महंगाई नहीं रहे घरों में। सरकार से कुछ कहना चाहोगी आप? अरे हमें नौकरी मिला दे सरकार, नौकरी दिला दे, कहीं दिला दे, चाय पानी में या कहीं भी लगवा दे, तो वो भी बहुत है हमारे। ये समस्या आपकी कि आप जैसी काफी सारी महिलाओं, बहुत लेडीज ऐसी आई काम के लिए, मारी मारी फिर रही है, उनके घर में खाना तलक भी नहीं है, सच्ची बात है, बच्चे भूखे हो रहे हैं, अब जगह जगह घूम रही है, काम भी नहीं, घरों में भी नहीं मिल रहा आजकल, आजकल तो पढ़े लिखे घूमे तो हम क्या है। आप इस बार परिवर्तन चाहती हो? जो आने वाले दिनों में इलेक्शन है 2-3 महीनों में, हो जाना चाहिए, सही होना चाहिए, हम तो जैसे जो हमारा काम पूरा करेगा तो हम तो कहेंगे सही है, वही आए, वही है। केजरीवाल जी से खुश हो आप? देखो केजरीवाल जी भी सही थे, जो अपनी जगह देखो कहना नहीं चाहिए, बहुत सुविधा उन्होंने भी दी है, हॉस्पिटलों में, स्कूलों में, सब चीज़ों में उन्होंने करा है, अब आगे तो हमें पता नहीं जो आएगा वो करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने भी काम कराया है, ऐसी बात हमें कराया। आप लोगों ने रोजगार के लिए उनके पास गए नहीं कि भाई हमें इस तरह छोटी मोटी रोजगार दी करे, या रोजगार के लिए तो उनसे बोला नहीं है अभी, तो उन्होंने भी अगर रोजगार दिलाएंगे तो उनसे भी बोला जाएगा, फिर पहले रोजगार के लिए, अब तो हॉस्पिटल में जो दवाई मिलती थी जब से वो गए हैं तो हॉस्पिटल में दवाई भी नहीं है, सफाई भी नहीं हो रही अच्छी तरह, बोलना कहना चाहिए आप? बोलना कि नहीं दवाई नहीं, केजरीवाल ने भी बहुत काम करा, अब जो पहले के जो का क्या काम कर रहे हैं बताओ, जब से केजरीवाल गए उससे काम ही क्या हो रहा है, जेल में काम कुछ भी नहीं हो रहा, सारे ऐसे ही है ना, दवाइयाँ मिल रही हैं ना, कुछ मिल रहा है हॉस्पिटल, और जिसके पास पैसा नहीं है तो कहाँ से दवाई खरीदेगा बाहर से, आप बताओ। मोहल्ला क्लिनिक पे आप क्या कह रही थी? मोहल्ला क्लिनिक पे आजकल जांचें भी नहीं हो रही हैं, ठीक है, हाँ। और क्या कहते दवाई नहीं, वो कह रहे हैं आगे से जांचें बंद कर रखी हैं सर, आगे से जांच भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, जांचें भी बंद हो गई हैं। कितने दिनों से? और ये हो गई 6-7-8-9 महीने जांचें बंद हो गई। अच्छा, और क्या कहते हैं वो भी बंद हो गई, बीपी की थायराइड की दवाई मिलती तो वो भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ शुगर की दवाई मिल रही है, सिर्फ शुगर की दवाई, और खांसी सर्दी जुकाम की दवाई थी वो भी नहीं मिल रही आजकल, वो भी बंद है, सिर्फ बुखार की गोली दे देते हैं, एक बुखार की है एक शुगर की दवाई है। ये कैसे आपको पता?
हम कल भी गए थे, वही दवाई मिली शुगर की और खांसी की, बुखार की है, खांसी की भी खत्म हो गई। अब एलर्जी की दवाई सब सारी चीज़ें, पहले तो सब चीज़ दवाई मिल जाती थी, अब नहीं मिलती, अब नहीं मिलती है। तो केजरीवाल जी जेल में गए हुए थे, बाकी सारे काम तो चालू ही थे उनके, जेल में जाने से क्या सारी चीज़ें बंद हो गई थी क्या? और अब तो वो जेल से बाहर आ गए हुए, तब क्यों नहीं सरकार सरकार जा रहे ना, अभी कैसा क्या हुआ हमको तो पता नहीं, कुछ पता नहीं। ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे आप? बस वही हॉस्पिटल में दवाइयाँ होनी चाहिए, जो गरीब है उनको नौकरी मिलनी चाहिए, सब सारे काम होने चाहिए, गरीबों की तरफ भी देखना चाहिए ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ना खाना भी नसीब नहीं है, काम ही नहीं है आजकल, तो कोई क्या करेगा बताओ आप।